इकडे शहनावज काजी इकडे आले तर त्यांचे सुद्धा शाईन क्रिकेट क्लब यांच्या तर्फे स्वागत। मानगांव सभापति राजेश जी पानावकर, इनका यहाँ पे शाइन स्पोर्ट्स क्लब की जानिब से स्वागत है। मैं हमारे गांव के सदर जनाब अकबर गजगे साहब से इल्तिमास करता हूँ कि इनका स्वागत करें। राजेश पानावकर जी के बारे में बोलना चाहूँगा, यहाँ पे वैसे तो बहुत सारे लीडरान बैठे हुए, हमारे विजयराज जी खुले, हमारी ताई है हरवनकर मैडम, वही एक उसी एक श्रेणी का एक अंक है, मैं भी उसी एक लाइन का एक अंक हूँ। हमारे राजेश पानावकर साहब अच्छा काम कर रहे, वैसे हमारे हरवनकर मैडम भी अच्छा काम कर रहे, उन्हीं के साथ मैं भी अच्छा काम कर रहा हूँ ऐसा मुझे लगता है उनका। मैं खुद की तारीफ कर रहा हूँ, ऐसा कोई बुरा नहीं माने। सचिन सिघवन यांचं स्वागत करतील मनसूर लोखंडे। सचिन सिघवन हाँ अंपायर चालू करें। हेलो हेलो, मैच अभी यहाँ पर मेहमानों का इस्तकबाल होने के बाद मैच शुरू होने जा रहा है और बॉलर्स नेम क्या है? कैस। पहली ओवर कैस लेकर और सामने स्ट्राइक पर है फैसल फिरफिरे, जबकि नॉन स्ट्राइक पर है जवाद कर्जीकर और कैस पहली ओवर की पहली गेंद, पावर प्ले का पहला ओवर। अंपायर का इशारा यहाँ पर मिलता हुआ कि मैच शुरू होने जा रहा है, वेल स्टार्ट। पहली मैच की पहली बॉल राइट आर्म ओवर द विकेट, डोटा राउंड विकेट सॉरी, फुल टॉस गेंद और इस गेंद को खेलना चाहता है पावर प्ले का इस्तेमाल करते हुए, लेकिन टाइमिंग वहां पर इतना सही नहीं था कि गेंद तेजी के, क्योंकि गेंद जो है नई बॉल है, पहले उसको जो 30 गज का दायरा है उसको क्रॉस करना चाहते थे और उसमें सफल हो गए थे, क्योंकि जब मिड ऑन के ऊपर फील्डर था उसके सर के ऊपर से गेंद को खेला था और लॉन्ग ऑन के ऊपर जो फील्डर तैनात था लगभग मिड विकेट के क्षेत्र में खड़ा था और अच्छी फील्डिंग जाकर उन्होंने वहां पर की, केवल एक रन मिला वहां पर, एक रन के साथ अपना खाता खोला और टीम का खाता खोला, व्यक्ति स्कोर एक, टीम के स्कोर एक। फिर से एक बार था राइट राउंड विकेट, दोनों शुरू के अंपायर क्रॉस के, अंपायर के बगल में से निकले, अच्छी गेंद बहुत अच्छी गेंद अंदर टारगेट पे की भी गेंद, अंपायर ने कहा कि नहीं, लेकिन सब जुटी हुई गेंद अंपायर से अपील की गई, आह भरी अपील थी वहां पर, उत्साह में कम विश्वास में भी कम अंपायर के ऊपर उसका कोई असर नहीं। अंपायर पठान वहां पर, इम्तियाज पठान जो मुन्ना पठान के नाम से जाने जाते हैं, मेन अंपायर इस वक्त यहां पर अंपायरिंग कर रहे हैं, जो कि कल्याण से यहां पर आए हुए हैं अंपायरिंग करने के लिए, उनको आमंत्रित किया गया है शाइन क्रिकेट क्लब की तरफ से, जबकि स्क्वाड पर अंपायर वहां पर मौजूद है हेमंत सेठी जो है वो स्क्वाड पर है, उनको भी कल्याण से यहां पर आमंत्रित किया गया। अपने ओवर की तीसरी गेंद राइट राउंड विकेट, दौड़ा शुरू किया अंपायर को क्रॉस किया, अंपायर के बगल में से निकले, बाहर जाती विकेट को उठाकर खेलना चाहते, खेला जरूर उसके नीचे खिलाड़ी आना चाहते और आसान सा कैच, बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं हुई, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर जो तैनात खिलाड़ी था उसके लिए कोई परेशानी नहीं। बॉल से बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, खास करके फाइनल मैच में जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की थी वहां पर, जवाद और फैसल से जो काम नहीं हुआ था वो फैसल ने वो काम वहां पर किया था, लेकिन इस बार वहां पर बैटिंग से कुछ खास नहीं कर सके। ये जो जवाद यहां पर खेल रहे हैं, इन्होंने 50 रन बनाए थे माधुरानी पुरार के विरुद्ध, 50 रन बनाए थे 9 बॉलों में 50 रन बनाए थे। अब कैसे अंबेद जो कि इनफॉर्म टीम जा रही है, अच्छी खासी फॉर्म में जा रही टीम, इस वक्त दोनों टीमें जो मजबूत और मुस्तकम है एक दूसरे का सामना कर रही, बहुत अच्छा मुकाबला शाही के क्रिकेट को देखने मिला। राउंड विकेट दोनों शुरू के, अंपायर को क्रॉस किया, से बाहर जाते हुए इसको लपेटना चाहते हैं, हल्की सी अपील आउट और अंपायर का इशारा यहां पर आउट।
की बात करेंगे तो माधुरो ने के लिए कोई चीज अच्छी नहीं जा रही है। राइट अराउंड द विकेट फिर से एक मार, इस गेंद को आउट कर, इट्स अ मैक्सिमम, यात्रा पर जाती हुई गेंद, बहुत ही बढ़िया शॉट, अच्छा टाइमिंग, अच्छा प्लेसमेंट, वाओ। आड़े बल्ले से खेला था, थोड़ी सी गेंद जो है आगे फेंकी थी, उसका पूरा भरपूर फायदा उठाया, कोई वहां पर चांस नहीं मिला था, जो कि स्क्वाड के ऊपर एक फील्डर को तैनात किया गया था, उनके सर के ऊपर से गेंद चली गई थी 6 रनों के लिए। स्कोर पहली ओवर की समाप्ति, वो फर्स्ट वन हैज बीन कंप्लीटेड एंड स्कोर मूव्स ऑन 8 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट। द सेकंड ओवर विल बी सेकंड ओवर इन प्रोग्रेस। किनलोल अरसाई के कप्तान आके पवेलियन में कॉन्टेक्ट करे, किनलोल अरसाई बहुत ही बढ़िया शुरुआत अगर आप अंबित की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो। हालांकि माजरोना के लिए अच्छी शुरुआत तो नहीं, लेकिन अंतिम गेंद के ऊपर एक सिक्सर जरूर आया, 6 रन जरूर आया था वहां पर। तो मैं आपको बता दूं कि शाहीन क्रिकेट गोरेगांव ने जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया, 75,000, 40,000, 20,000 के लिए टूर्नामेंट है, जिस तरह से 4 दिन के लिए 4 ग्रुप यहाँ पर बनाए गए हैं, टाइमिंग पे मैचेस रखे गए हैं, ट्रैक सूट के बगैर खेलने की किसी को अनुमति नहीं है, लाइव यूट्यूब पे लाइव दिखाया जा रहा है, दोनों अंपायरों को बाहर से आमंत्रित किया गया है, तो इस तरह से एक बड़ी टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज किया गया है। और मैं अभी देखता हूँ ये कि यहाँ पर जिस तरह का मैच है, बॉलिंग के लिए किसको आमंत्रित किया जा रहा है, कौन आ रहा है, आसिम, बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर खिलाड़ी आसिम भी इस टीम के। जो यहाँ पर पार्किंग बाहर जो लगी हुई है उनसे मैं लगातार इल्तिमास कर रहा हूँ, ऐसा ना हो कि मजबूरी में जाकर किसी को आपको वहां से उठाना पड़े, इसलिए पार्किंग जो है उसके लिए जगह है, बहुत जगह है, बहुत जगह हमारे पास, पिकअप वाला खास करके वहां से अंदर लगाए या तो फिर साइड में आगे जाकर लगाए। तो यहां पर आसिम, एक ओवर की समाप्ति, स्कोर है 8 रन। पहली ओवर कैश ने फेंकी थी, 2 सफलताएं प्राप्त की थी, सलामी के बल्लेबाज को वापस भेजा था, बहुत बढ़िया शुरुआत कैश द्वारा, राइट आर्म ओवर द विकेट, काफी लंबा रन, अब दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, अच्छी गेंद और इस गेंद को खेल दिया, और यहां पर बहुत अच्छी फील्डिंग, बढ़िया फील्डिंग, बहुत ही अच्छी फील्डिंग, और इस तरह से एक्स्ट्रा कवर के ऊपर जो फील्डर को तैनात किया गया था, बहुत ही अच्छी फील्डिंग, सीधा थ्रो, कोई वहां पर चांस नहीं रन के लिए। फिर से एक मरतबा इस वक्त मेन अंपायरिंग का काम कर रहे हैं एमन सेठी, जो कि कल्याण से आए हुए, इसको अंपायर है मुन्ना पठान। पहला बॉल के ऊपर कोई रन नहीं, राइट आर्म ओवर द विकेट, दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, अंपायर के बगल में से निकले, खराब गेंद, बहुत ही खराब गेंद, अंपायर का इशारा वाइड बॉल, भाग्य ने साथ दिया कि कोई एक्स्ट्रा रन और ज्यादा नहीं मिले वहां पर, और ये जो रन था 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 9 रन। मैं आपको फिर से एक मरतब बता दूं, दोनों अंपायर बाहर से मंगा गए यहाँ पर यूट्यूब के लिए, जो कि यहाँ पर ड्रीम क्रिकेट यूट्यूब जो है आप सर्च कर सकते हैं, बहुत से टूर्नामेंट इन्होंने अभी तक लाइव दिखाया है, जो हमारे बीच में यहाँ पर स्कोरिंग का काम भी कर रहा है, राइट आर्म के दोनों शुरू के अंपायर क्रॉस के अंपायर बगल से निकले, इस गेंद को उठाकर खेला, बहुत ही बढ़िया शॉट, बहुत ही बढ़िया शॉट, लेकिन वहां पर जो फील्डर जो थे तैनात किया गया था लॉन्ग ऑफ के ऊपर, उनके सर के ऊपर से गेंद चली गई थी 4 रन के लिए। साथ यहां पर बैठे हुए अथर, उनका भी मैं स्वागत करता हूं शाहीन क्रिकेट क्लब की तरफ से, और यहां पर पहली बाउंड्री लगी है, पहले छक्के के बाद पहली बाउंड्री आई है 4 रन के स्वरूप में, और बॉल देना है, कैमरामैन यहां पर जो है परेश पालकर जो है वो यहां पर कैमरा की तरफ से यहां पर आपको दिखा रहे हैं, और बीच बीच में आपको स्टेडियम भी दिखाया जाएगा, बीच बीच में यहाँ पर जिस तरह से मुझे लगता है कि उन्होंने जिस तरह से खराज तहसीन यहाँ पर जो पेश की गई है उसका फोटो लिया गया हुआ, बीच बीच में उसको भी डाला जाएगा, जिस तरह से यहाँ पर प्राइज का जो बोर्ड लगा हुआ है उसको भी बीच बीच में वो प्रेश पालकर जो है वो उसको भी शामिल करते रहेंगे, और इस तरह से एक अच्छा क्रिकेट आपको लाइट जो लोग देख रहे हैं वो आपको यहाँ पर देखने मिलेगा। और मैं लाइनमैन के लिए जो बच्चे रखे गए हैं उनसे इल्तिमास है कि जो बॉल के ऊपर नजर रखे, और जिस तरह से उनकी जिम्मेदारी दी गई है, जिस तरह से आपने मेहनत करके टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया है। हेलो, साई और किंजलोली, साई और किंजलोली कप्तान पवेलियन में आके यहाँ पे राबता कायम करे, साई किंजलोली।
जुबेर भाई को बोलाऊं मैं। तो यहां पर फिर से एक मरतबा मैच शुरू होने जा रहा है। मैं मेरे पास यहां पर समय है, मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो लोग यहां पर पहले शाहीन क्रिकेट गोरेगांव के लिए खेला करते थे उनके लिए खराज तहसीन पेश किया गया। हमारे कमेंट्री बॉक्स के सीट ठीक राइट हैंड के तरफ यहां पर रखा हुआ है। जो लोग यहां पर अभी खेल नहीं रहे हैं समय समय पर, मैं कुछ जानकारी उनके बारे में, जिनको मैं जानता हूँ उनके बारे में तो मैं बताऊँगा, जिनको मैं नहीं जानता हूँ शायद वहाँ पर इब्राहिम करते कर रहे वो यहाँ पर बताएंगे, क्योंकि उनको अच्छी खासी नॉलेज है, क्योंकि अपने वक्त के बहुत ही अच्छे कैप्टनों में कैप्टन शुमार किया जाता था इब्राहिम करदेकर। शाहीन गोरेगांव अपने वक्त की बहुत अच्छी टीम होती, उस वक्त गोरेगांव के दो टीमें बहुत मशहूर थी, शाहीन गोरेगांव और चैंपियन ऑफ चैंपियन गोरेगांव, ये दो टीमें बहुत मशहूर थी और दोनों टीमों का सामना जब होता था तो बहुत ही अच्छा मनोरंजन पेश किया जाता था। उस वक्त का क्रिकेट और अभी के क्रिकेट में बहुत ज़्यादा फर्क है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ गया है, लेकिन अभी तक वो लोग यहाँ पर मौजूद। हाँ बताया मैंने चैंपियन ऑफ चैंपियन बताया, क्योंकि उस वक्त मैं भी उनके साथ खेला गया हूं तो मुझे तो अच्छी तरह से याद है। सुनील और नंदू को कौन भूल सकता है जो अपने टीम की रीढ़ की हड्डी मानी जाती थी उस वक्त। लेकिन यहां पर फिर से एक मरतबा मैं आपको खेल की तरफ लेके जाऊँ। राइट आर्म उर्दू के दौड़ा शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, अंपायर के बगल में से निकले, शॉट ऑफ लेन गई थी, इस गेंद को खेलना चाहते, बल्ले का मोटा सा गेंद चली गई है फाइनल की तरफ, अंपायर का इशारा वहां पर आता हुआ इस इनिंग की दूसरी बाउंड्री आती है चार रन के साथ। अंपायर खास करके अंपायरों के लिए कि अगर यहां पर इस इनिंग में अगर बॉल कोई गुम हो जाती है या दूसरी इनिंग में तो बॉल गुम होने की सूरत में नई बॉल दी जाएंगी, पुरानी नहीं। अंपायर के लिए ये कॉल है, दोनों अंपायर रूल कुछ रूल रहते हैं जो मैनेजमेंट अपनी तरफ से रखती है और उस रूल को आपको फॉलो करना है। जो ग्राउंड के अंदर जो कुछ भी होगा वो दोनों अंपायर वहां पर देख लेंगे, वो उनके हिसाब से वो नियमों का पालन करेंगे, उनको क्रिकेट का बहुत कुछ नॉलेज रहता है। मैं थोड़ी सी जैसे टाइम मिलता है शायद के अंपायर के बारे में भी बताते चलूँ, स्कोरिंग के बारे में थोड़ा सा बताते चलूँ, क्रिकेट के बारे में थोड़ा सा जानकारी देते चलो। राइट आर्म उर्दू के दौड़ा शुरू, अंपायर क्रॉस, अंपायर के बगल से अब सबसे बाहर जाती हुई गेंद, बहुत अच्छी बढ़िया गेंद थी, बहुत तेजी के साथ फेंकी हुई गेंद थी, बहुत ही चतुराई के साथ फेंकी हुई गेंद थी, शॉट ऑफ लेन गेंद थी, बहुत तेजी कंधों का इस्तेमाल किया, ऑफ स्टंप पे ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद, फैसल के लिए कोई मौका नहीं हुआ था, हालांकि बहुत तेजी के साथ, हालांकि फैसल ऐसे गेंदों के ऊपर चकमा खा गए लगातार जिस तरह से वहां पर गेंदबाजी कर रहे। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 17 रन चार गेंदे हुई, आसर यहां पर अथर है मेरे साथ, स्कोरिंग का काम अंजाम दे रहे वेल अथर, बहुत ही अच्छा काम यहां पर अंजाम दे रहे शाहीन क्रिकेट के तमाम सदस्य। राइट आर्म ओवर द विकेट, और एक फुल लेन गेंद थी, इस गेंद को खेल दिया, फिर से एक बार दबा एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में जाती हुई गेंद ऐसे ही बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है, जब तक फील्ड करके थ्रो करते मिस फील्ड में गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, तीसरी बाउंड्री आती हुई चार रनों के साथ, फैसल को मिलने वाला पहला चौका। बढ़िया यहां पर गेंदबाजी की थी कैश ने, राइट मोड़ दो के डोरा शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, अंपायर के बगल से निकलने के बाद फुल लेन गेंद थी, बहुत ही अच्छा शॉट, बढ़िया शॉट, बहुत ही बेहतरीन शॉट, वन बॉल परफॉर्मेंस, क्या शॉट खेला है यहां पर, धोनी स्टाइल में खेला गया हेलीकॉप्टर शॉट।
फायदा मिल सकता है किसी भी बल्लेबाज को, तो वो जो अभी शॉट खेला गया था फैसल की तरफ से, उससे थोड़ा बल्लेबाज के लिए फायदामंद रहेगा कि थोड़ा अगर बाउंड्री के ऊपर नजर डालेंगे तो वो बाउंड्री थोड़ी सी शॉर्ट है बनिस्बत बाकी तरफ जितनी भी बाउंड्री है, तो उसका भी फायदा मिला और रिवर्स शॉट खेला और फैसल रिवर्स शॉट खेलने में माहिर है। और ये मुझे लगता है फैसल का पांचवा चौका है शायद, चौथा चौका लगाया था शाहीन के जितने भी प्लेयर्स है उनसे गुजारिश है कि बाउंड्री के अतराफ खड़े रहे, एक जगह पे चार या पांच बच्चे बैठे हैं, हर बाउंड्री की हर तरफ वो जाके खड़े रहे, बहुत टाइम पास हो रहा है, वक्त बहुत कम है। फैसल के लिए यहाँ पर 100 रुपए आए हो किसकी तरफ से, सात की तरफ से, और एक इनाम यहाँ पर दानिश के लिए किया गया, अगर हैट्रिक लेते तो 500 रुपए मिलेंगे उनको, 1000 रुपए मिलेंगे उनको आकिब की तरफ से, क्योंकि दो गेंदे हो चुकी है। अतर थैंक यू आपका। और जब इस तरह का माहौल रहता है, जब चारों तरफ से बातें आती है, तो इस तरह का एक स्कोरर होना बहुत जरूरी है जो हमें बताए। एक बहुत बड़ा इनाम है जो भी हैट्रिक लेगा, अभी हैट्रिक क्या है, विकेट है या सिक्सर है, सिक्सर के लिए एक इनाम है, इसके बाद बता दूं। दानिश राइट अमोर तो गेट दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, अंपायर के बगल में फुल लेंथ गेंद थी, इसको गेंद को खेल दिया, इसको आने के ऊपर फील्डर है, उनके सर के ऊपर से हाइट का भाई वहां पर गए, इसकी कोई कोई चुका था कि माजरोन की टीम की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है फैसल, बहुत ही बढ़िया क्रिकेट खेलते हैं। तो यहां पर चाइनीज के लिए एक इनाम रखा, चाइनीज है क्या आपने इनाम लगाया, ड्रैगन, गोल्डन ड्रैगन यहां पर मिलेगा शाम में लोनर में आपको, जो भी हैट्रिक लेता है उसके लिए। तीन लगातार यहां पर पांच या छह चौके लगाए वहां पर, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, फिर से एक मार डालेगा इस बार, मैक्सिमम, इट्स द मैक्सिमम, यस नो डाउट अबाउट दैट, व्हाट अ स्टार्ट, व्हाट अ शॉट, व्हाट अ क्रिकेट बाय फैसल, अकेला कैस बेचारा क्या करेगा। छक्का अगर हैट्रिक लगाते हैं तो 500 रुपए, लेकिन हैट्रिक लगाए ना लगाए, लेकिन मैच बहुत अच्छा चल रहा है माजरोन के दृष्टिकोण से बात करेंगे तो। विकेट के लिए एक इनाम है, मैं फिर से यहाँ पर बता दूं कि हरवनकर मैडम, पितले मैडम, उसके बाद लाड मैडम और इसवलकर मैडम, शाहीन मैडम और मोहिनी मैडम, इनके तरफ से जो भी हैट्रिक लेगा, हैट्रिक सिक्स लगाएगा, उसके लिए 1000 रुपये का इनाम, इन लोगों के तरफ से 1000 रुपये का इनाम। घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि जुबेर ने कहा है तो जुबेर देगा। राइट अमोर तो घटोना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, आप सबसे बाहर जाती हुई गेंद इस गेंद को फिर से एक बार दबा कवर के ऊपर से खेला है, अंपायर का इशारा 6 रनों के लिए, वाह व्हाट अ बैटिंग, व्हाट अ स्टार्ट, व्हाट अ मैच, व्हाट अ गोइंग मैच इन बिटवीन माजरोन और टॉप अंपायर, और हैट्रिक सिक्स के लिए एक सिक्स लगे हुए, उसके बाद यहां पर ज्यादा से ज्यादा रन के लिए यहां पर अध्यक्ष मानने ने लगाया हुए, तो आपके लिए रनों की बरसात करेंगे, पैसों की बरसात हो जाएगी, क्या दानिश इनके साथ कोई मामला कर सकते नहीं कर सकते, यही देखने वाली बात होगी, सब तमाम लोगों की निगाहें इसमें बॉल के ऊपर, और देखना है नहीं विकेट मिला है, शांति के साथ तालियां बजाए जुबेर ने यहां पर, उनका इस विकेट जैसे ही यहां पर गया है, तो इस तरह से तमाम लोगों की निगाहें फैसल के ऊपर लगी हुई थी, कितने इनाम मिल सकते, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 रुपए मिल सकते थे। अभी इसके बाद इनिंग तो बाकी है, इसके बाद एक इनिंग होगी, ये तो पहली इनिंग चल रही है, पूरी इनिंग के लिए ना दोनों टीम के लिए इनाम है, किंजलोल के कैप्टन साइक के कैप्टन, किंजलोल कैप्टन साइक कैप्टन प्लीज कम फॉरवर्ड फॉर द टॉस, मैं बताता हूं कैस आपने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, कोई टेंशन नहीं, मैं आपको बता दूं स्कोर कितना हुआ है, 47, कैसे आपने बॉलिंग तो बहुत अच्छी की, आपके साथियों ने ज्यादा रन दिए, मेरे आथर मुझे बताएंगे यहाँ पर किस तरह से, यहाँ पर कैसे ने पहली ओवर में 8 रन किए, दूसरे ओवर आसिम ने बेकी 18 रन दिए, दानिश को एक विकेट जरूर मिली, 21 रन दिए, फैसल का इंडिविजुअल स्कोर यहाँ पर मैं बता दूं 36 रन बनाए फैसल ने, फैसल के लिए निजाम भाई की तरफ से 100 रुपए, यहाँ पर दानिश के लिए 500 रुपए आए हुए, 1000 रुपए किसके तरफ से, हुसैन की तरफ से, यहाँ पर पैसे लिखना हेलो साई, एक ही मैच के लिए जो इनाम रखा हुआ है, जो हैट्रिक के लिए जो है वो
हरवनकर मैडम और पितले मैडम, लाड मैडम, ईश्वलकर मैडम, शाहिन मैडम, मोहिनी की तरफ से जो है वो पैसे जो रखे हुए, ये पैसे तू रख, शाही और खिंजौली फैसल के लिए। अगर टीमें आई होंगी तो उनके कैप्टन नाम लिखना, आके पवेलियन में कांटेक्ट करें। शाही और खिंजौली ये जो इनाम रखे हुए है चारों छह मैडम जो यहाँ पर बैठे हुए, सिर्फ इस मैच के लिए, दोनों इनिंग के लिए, किसी एक टीम का सपोर्ट नहीं हो रहा है, तमाम टीमों का सपोर्ट हो रहा है। लेकिन क्या मैच खेला फैसल है, वाह वाड़ा मैच, बहुत ही बढ़िया मैच। लेकिन अंतिम ओवर के लिए कैस नहीं है, आसिम, हालांकि कैस ने बहुत बढ़िया ओवर फेंकी थी, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की थी कैस ने और निर्णय लिया गया। लेकिन आसिम उनके मेन गेंदबाज है, जरूर उन्होंने 18 रन दिए थे अपनी ओवर में, एक गेंद वाइड भी फेंकी थी, एक नो बॉल भी फेंका था उन्होंने अपने ओवर में आसिम ने, कुल मिलाकर उन्होंने 18 रन दिए थे। दूसरी ओवर अंतिम ओवर जो दानिश ने फेंकी थी, कोई वाइड नहीं, कोई नो नहीं, लेकिन रन दिए थे 21 रन। तो अच्छी गेंदबाजी रही कैस की, अच्छी बैटिंग रही वहां पर फैसल की। अंतिम ओवर इस इनिंग का राइट आर्म ऑफ द विकेट, काफी लंबा रन अब दौड़ना शुरू किया, तेज गति से फेंका हुआ और इस गेंद को खेल दिया एक कवर के ऊपर, कवर बाउंड्री के ऊपर फील्डर तैनात, जब तक फील्ड करके थ्रो करते दोनों ने बहुत ही पूर्वानुमान के साथ अपने अपने छोर बदल लिए थे एक रन के लिए, एक ही रन से संतोष रहना पड़ेगा। हालांकि दूसरे रन के लिए वहां पर कॉल किया गया था लेकिन मान्य नहीं किया वहां पर सलमान की तरफ से। और इस तरह से साई के कैप्टन, साई के कैप्टन आए हुए, किंजलोर के कैप्टन, किंजलोर के कैप्टन हेलो यहाँ पर चले आए, किंजलोर के कैप्टन यहाँ पर चले। एक गेंद हो चुकी है, स्कोर हुआ है 48 रन, मैंने पहले ही कहा था अगर स्कोर 50 या 50 के बाहर जाता है तो फिर अंबेद के दृष्टिकोण से अगर बात की जाए तो फिर अंबेद के लिए इतना अच्छा नहीं होगा। लेकिन कितना अच्छा, बहुत ही बढ़िया यहाँ पर टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज किया गया है। राइट आर्म ऑफ द विकेट दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, अंपायर के बगल में से निकलने के बाद सामने खेले और इस गेंद को खेलना चाहते, बहुत तेजी के साथ, चतुराई के साथ फेंकी हुई गेंद थी, बहुत ही तेज गेंद थी, बेहद तेज तरार फेंकी हुई गेंद थी, मिडिल स्टंप से लेकर सामने की तरफ जाती हुई गेंद थी, इसको अक्रॉस द एंगल जाकर खेलने की कोशिश जरूर की लेकिन टाइमिंग बिल्कुल भी मिस कर बैठे। वहां पर गेंद उनके बैट पर जरूर आई लेकिन इतनी अच्छी तरीके से नहीं आई जितने तरीके से वहां पर होना चाहिए था। एक रन मिला, एक रन के साथ स्कोर भी बढ़े तो स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 3 विकेट के नुकसान पर 49 रन यहां पर। और इस तरह से ये दो गेंदे हो चुकी, 4 गेंदे पहली इनिंग के आना बाकी है। दोनों अंपायर वहां पर है, इम्तियाज पठान और सेठी वहां पर अंपायरिंग का काम अंजाम दे रहे हैं। यहां पर ड्रीम क्रिकेट यूट्यूब यहां पर जो है वो क्रिकेट को यहां पर यूट्यूब के ऊपर दिखाया जाता है। प्रेस जो वहां पर जो है प्रेस पालकर जो है वो आपको कैमरामैन की तरफ से वहां पर काम कर रहा है। आथर जो है मेरे साथ स्कोरिंग का काम अंजाम देते हैं। राइट आर्म ऑफ द विकेट दौड़ा शुरू किया, अंपायर क्रॉस के अंपायर शॉट ऑफ लाइन गेंद थी, इस गेंद को यहां पर टाइमिंग मिस कर बैठे, वहां पर बिल्कुल बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं हो सका वहां पर। जिस तरह से तू जैसे गेंदबाज को इजाजत दे दी कि आप चाहे जिस तरह से आप खुलकर गेंदबाजी करो, मैं बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं हो सकता यहां पर। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन यहां पर करते हुए आसिम, जिन्होंने पहली ओवर जब फेंकी थी 18 रन दिए थे, उसके बाद ऐसा लगा था कि किस तरह से इसे डिसीजन लिया गया है। कैस ने अच्छी गेंदबाजी की थी लेकिन आसिम ने बता दिया कि वो बहुत ही अच्छे गेंदबाज है। अब तक उन्होंने जिस तरह से 3 गेंदे फेंकी, 2 रन दिए, चौथी गेंद लेकर फिर से एक बार शॉट ऑफ लेंथ गेंद थी और यहां पर हल्की सी अपील की गई लेकिन अंपायर के ऊपर ऐसा कोई असर नहीं। और देखना है यहां पर एक सफलता मिली जरूर रन आउट के रूप में, अंपायर का इशारा यहां पर आउट है, अपना विकेट गंवाना पड़ा वहां पर क्योंकि बैट और अब तक सिर्फ 2 रन दिए, क्या बॉलिंग की है आसिम ने, पहली ओवर में 18 रन दिए थे, यहां पर 4 गेंदों में सिर्फ 2 रन दिए, क्या बॉलिंग की है, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। 36 रन वही स्कोर बनाकर आउट हुए थे फैसल, उसके बाद रनों पर अंकुश लगा है, जैसे मानो रनों के ऊपर सोचा ही नहीं है बल्लेबाजों ने। अब अजीज आए खेलने के लिए, जिन्होंने पहली मैच जब खेला था अपनी टीम के लिए उनके ग्राउंड के ऊपर, जहां पर बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की थी उन्होंने। राइट आर्म ऑफ द विकेट दौड़ा शुरू किया, अंपायर अंपायर के बगल में से निकलने के बाद और इस गेंद को खेला, जरूर बैट और बॉल का संपर्क हुआ लेकिन उतना अच्छा नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। और अच्छी फील्डिंग यहां पर दूसरे रन के लिए कॉल किया था लेकिन नहीं, और यहां पर ओवर थ्रो के रूप में रन मिल सकता है नहीं, अंपायर का इशारा आउट, तो अब्दुल अजीज आउट। फैसला आप सोचो ना सोचो, मेरी काम है, मेरा काम है अच्छी गेंदबाजी करना, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। हालांकि फैसल कैस ने हालांकि दोनों भाई इस वक्त यहां पर खेल रहे हैं, जो दोनों का नाम है आतिफ और अशरफ,
राइट आर्म ओवर द विकेट, अंतिम गेंद पहले इनिंग की, दौड़ा शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, चढ़ा, अच्छा शॉट वहां पर, बहुत बढ़िया शॉट, और गेंद बॉडी लाइन के बाहर जाती हुई, चार रन, चार रन, बहुत ही अच्छा शॉट, बढ़िया शॉट, चार रनों के साथ मैच तो खत्म हो चुकी है 54 रनों पर, 55 रनों का लक्ष्य दिया है, अंबेद को पूरे 55 रन निकालना पड़ेगा यहां पर नियमों के हिसाब से। हजार जो है बॉलर दानिश, दानिश यहाँ पर है, दानिश अपना इनाम लेकर जाए, और जुबेर, जुबेर गोरेगांव के सेक्रेटरी जनाब अब्दुल अलीम शरीफ साहब, फैसल अभी खेलने के लिए, फैसल खेलेंगे, दानिश यहाँ पर चले, दानिश के लिए इनाम है, हरवनकर भाई जो यहाँ पर सदस्य, उनसे इल्तिबास करूंगा, उनके हाथों ये इनाम दिया जाएगा, हरवनकर भाई जो है शरीफ, ये जो 1000 रुपए का इनाम है, हरवनकर मैडम गए हो तो यहाँ पर, अगर संजय है तो वो लेकर जाए, चंद्रकांत, चंद्रकांत, चंद्रकांत के हाथों ये इनाम दिया जाएगा 1000 रुपया। जनाब अजीमुद्दीन पानसारी साहब का इस्तकबाल जनाब इब्राहिम करदेकर साहब करेंगे, जनाब आसिफ लोखंडे इनका इस्तकबाल। आगे जो है मैं आपको बता दूं, मैच जीतने के लिए जो रन चाहिए वो जनाब जुनेद अधिकारी करेंगे, आसिफ लोखंडे साहब 54-55 रनों की जरूरत है, आसिफ लोखंडे, और उस मैच के बाद कुछ नियम है जो है मैच के खत्म के बाद, खत्म होने के बाद बताएंगे, अभी जो नियम जो रूल चल रहे इस पूरी इनिंग के लिए, दोनों इनिंग के लिए सेम है, इसके बाद कुछ चेंजिंग होगी उसके बारे में बताया जाएगा। यहाँ पे जो अंपायर हजरत खिदमत दे रहे हैं, जो हमारे कमेंटेटर है फैज भाई, इनका इस्तकबाल रह गया है, और जो हमारे यूट्यूब चैनल्स वाले हैं, और उसके बाद हमारे जो डीजे वाले, उन सभी हजरत का, सभी भाइयों का, हम शाइन स्पोर्ट्स क्लब की जानिब से पुरतपाक खैर मकदम करते, इस्तकबाल करते, और उनकी खिदमत को की सताइश करते। तो फैज भाई का स्वागत जनाब मंसूर लोखंडे साहब करेंगे, हमारे यूट्यूब वाले भाई क्या नाम साहब कौस्तुभ पाटिल साहब का सा स्वागत, हमसे उपसरपंच चंद्रकांत जी गोरेवकर करते, डीजे ऑपरेटर रितेश, रितेश जी का स्वागत आमचे समीर भाई खुले यांच्या हस्ते होईल, और जो धूप में बैठ के पूरी मैच को रिकवर कर रहे हैं, जो शूट कर रहे हैं उनका ही स्वागत करें, वो यहाँ आ नहीं सकते, तो मैं तौसीफ गोरमे साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनको वहाँ पे जाके, और वाईफाई वाले भाई हमारे, उनको हमारे काशिफ गोटेकर इस्तकबाल करेंगे। हेलो, मैच शुरू की जाए, किंजलोली, किंजलोली आई सलीम, हेलो, तो स्टैक पर है नाजिम, नॉन स्टैक पर है आसिम, तो 24 गेंदे और 55 रनों की जरूरत है, 24 गेंदे और 55 रन, माजुरा ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 54 रन बनाए थे, बैनर के पास जितने भी बाइक है वो सभी निकाल दे, यहाँ पर थोड़ी रिक्वेस्ट है, जो यहाँ पर बैनर लगा है जो कि कॉल का जो बैनर है शाइन स्पोर्ट्स क्लब का, उसके सामने जो जितने भी बाइक लगे हैं सब निकाल दे। तो यहाँ पर 24 गेंदों में 55 रनों की जरूरत है, हेलो हेलो, आसिम के लिए यहाँ पर 1000 रुपये आया, हैट्रिक सिक्स अगर लगाते आसिम तो हुसैन की जानिब से, जो कि अंबेद से रब्ता कायम करते हुसैन, उनकी जानिब से 1000 रुपये मिलेंगे हैट्रिक सिक्स पर, तो 24 गेंदे और 54 रनों की जरूरत है,
तो माजनों की जैसे सलामी गेंदबाज है यहाँ पर जवाद और सला स्ट्राइक पर है यहाँ पर नाजिम। फिर से एक बार जवाद हमसे दूर जाते हैं, अंपायर क्रॉस गया, विकेट क्रॉस किया, अच्छी गेंद थी, हल्के बैट से खेला था, मिड ऑफ की जाने वहाँ पर फील्डर मौजूद थे लेकिन मिस फील्डर थे, लेकिन एक रन से संतोष आना पड़ेगा। तो अपना खाता खोला और टीम का खाता खोला एक रनों से, तो यहाँ पर शुरुआत हुई है अंबेद की एक रनों से। तो 24 गेंद में 54 रनों की 55 रनों की जरूरत है, तो यकीनन कंपलसरी चेसिंग है, इस बात को नोट करें अंबेद, कंपलसरी चेसिंग है, 55 रन बनाने होंगे, कंपलसरी चेसिंग, इस बात को नोट करें। राजा गोयलकर ये आत्ताच पवेलियन मध्ये आले, त्यांचा शाइन स्पोर्ट क्लब गोरेगाव यांच्याकडून स्वागत केला जाते, त्यांचं स्वागत करतील जुनेद जुनेद अधिकारी या इकडे। तो यहाँ पर बैट का बाहरी किनारा लगकर गेंद यहाँ पर थर्मेन के दिशा में, तो यहाँ पर एक रन से नहीं रह सके, इस एक रन से महेश कामले का भी यहाँ पर खाता खुला। महेश कामले यांचं स्वागत करतील मंसूर लोखंडे, महेश कामले महेश आ चुके हैं, उनका स्वागत करते हैं मंसूर लोखंडे। तो यहाँ पर कैच छूटी थी नाजिम की और उसके बावजूद भी दो रन यहाँ पर चुराए थे, तो यहाँ पर इस दो रन की मदद से स्कोर में बत्ती स्कोर जा पहुंचा है, तीन गेंदे हुए स्कोर जा पहुंचा 4 रन। तो जवाद यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी कर रहे, तीन गेंदे अभी भी बाकी है, इस ओवर की तीन गेंदे हो चुकी है, स्कोर जा पहुंचा 4 रन बिना विकेट खोए यहाँ पर अंबेद। तो नाजिम अभी सामना करेगा जवाद का, फिर से जवाब हमसे दूर जाते हैं, अंपायर क्रॉस किया, अच्छी गेंद थी शॉर्ट पिच लाइन की, इसको आड़े बल्ले से खेलना चाहते लेकिन गेंद जितनी अपेक्षा करे थे उठेगी लेकिन काफ़ी नीचे रहती हुई गेंद, तो कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं, स्कोर वही तो मवा 4 गेंद और 4 रन। तो यहाँ पर माजरा ने मैं लेट आने दर्शकों से कहूँगा कि ये मैच माजराना और अंबेद के दरमियान खेला जा रहा है। तो यहाँ पर फिर से एक बार जवाद और यहाँ पर अच्छा शॉट, यहाँ पर खिलाड़ी मौजूद है, कैच हो सकती है नहीं, और एक अच्छी कैच, यकीन अच्छी कैच, रनिंग कैच थी, एक बड़ा यहाँ पर 5 गेंदे हुए इसको जा पहुंचे 4 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट है जो कि बड़ा विकेट जाता हुआ नाजिम के रूप में। यहाँ पर नाजिम और जो कि असीम गए थे स्ट्राइक सलामी बल्लेबाज, तो अभी देखते हैं असीम भी अभी तक स्ट्राइक पर मौजूद है, ये अगर अंतिम गेंद तक अगर खड़े रहते तो मैच में बने रहेगी यहाँ पर अंबेद। तो फिर से एक बार जवाद अंतिम गेंद लेकर असीम के लिए, फिर से हमसे दूर जाते हैं, अंपायर क्रॉस किया, विकेट क्रॉस किया, अच्छी गेंद थी और पिछले लाइन गेंद को खेला है बैक टू द बॉलर, गेंद सी मारेगा बार 4 6 रनों के लिए लाइन में लाइन।
अफराज भाई हुरजुक इनका इस्तकबाल करता हूँ, आए हुए सारे शायकीन का गोरेगांव शाइन स्पोर्ट्स क्लब की जानिब से इस्तकबाल करता हूँ। तो यहाँ पर अच्छा शॉट, यहाँ पर बैकवर्ड पॉइंट के जाने भी गेंद गई थी। आता जित रामभाव मस्कर आणि आमचे मामा सुटके, मामा सुटके यांच्या संदर्भात थोडंसं परिचय देतोय। गोऱ्यातली कुठलीही माहिती जर पाहिजे असेल तर मामा सुटकेंच्या दुकानात गेलं तर गोऱ्यातलं टोटल वातावरण तुम्हाला इथं कळेल, मतलब जस्ट लाईक बीबीसी न्यूज। तर त्यांचा आम्ही त्यांचे ऋणी आहोत, मी सरपंच या नात्याने त्यांचा ऋणी आहे की टोटल न्यूज त्यांच्याकडून आम्हाला माहिती भेटतं। आणि रामभाव मस्करांचं परत एकदा स्वागत करतो। आंधिया उठे शत्रु जैसे ही मिले हमने, भारतीय की मन में ठाने है माया भवानी। अब सब मर्द मावड़े बड़े खुद्दार हैं। स्वागत हमसे आजमुद्दीन भाई पानसारी यांच्या हस्ते होईल। एक मिनट इधर इधर मुबीन जोगिलकर जो के कभी भी टाइम पे आते नहीं है, मेरे भाई है, मगर क्या करें, मौजरत के साथ कहना चाहता हूँ, कभी भी वक्त पे आते नहीं है। जब भी उनको कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो लेट होता है। पर खैर वो आखिर उनके लिए वो गाना बना, आखिर देर ना हो जाए कहीं दे, वो उन्हीं के लिए बना हुआ है। पर आज फिर भी 12 बजे तक आ गए, उनका मैं इस्तकबाल करता हूँ तहे दिल से और उम्मीद करता हूँ कि शाम तक यहीं रहेंगे। यहाँ पर फैसल है गेंदबाजी के लिए और अच्छी गेंद यहाँ पर उसको खेला है, खिलाड़ी मौजूद है नीचे, कैच हो सकती है नहीं, और यहाँ पर अच्छी कैच, कैच जरूर छूटी लेकिन अच्छी, यहाँ पर कैच नहीं छूटी है, इंशाल्लाह मैच भी नहीं छूटेगी यहाँ पर। तो देखते आने वाला वक्त ही बताएगा ये मैच किसके पक्ष में जाएगा। ये कैच छोड़ो, मैच छोड़ो। अभी यहाँ पे टॉस होने जा रहा है, किंजलोल वर्सेस खतीजा 11 वर्सेस साई, टीम का नाम नहीं है, फ्रेंड्स ग्रुप साई। इनका टॉस हमारे गोरेगांव ग्राम पंचायत के उप सरपंच जनाब चंद्रकांत गोरेगांवकर, वैष्णवी पितले, मोहिनी जी गोरेगांवकर, मोहिनी जी कैलाश गोरेगांवकर, सॉरी कैलाश का नाम नहीं आया तो मोहिनी अकेले है, और हमारी इसवलकर मैडम और समीर खुले साहब। लाड मैडम यहाँ पे प्लीज आइए, लाड मैडम जब तक आएंगे नहीं और शाइन मैडम तब तक ये टॉस नहीं होगा। काशिफ एक वर्चा बाद जुना मिलल ना, यूट्यूब वालों से जरा निवेदन है कि यहाँ पे जरा टॉस कवर कर ले। तो यहाँ पर चार गेंदें हुए दूसरी ओर की और स्कोर जा बचा है 20 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। तो देखते हैं फैसल है गेंदबाजी के लिए, 5 विकेट लेकर यहाँ पर हल्के गर्मी से दोनों शुरू किया। अंपायर क्रॉस किया, विक्टर क्रॉस किया, आसिम है यहाँ पर, इसको खेला है हल्के बैट से पॉइंट की जाने, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन चुराया, टॉस उड़ाने का कोई तरीका लेने की कोशिश में लेकिन मना किया यहाँ पर मैडम हमारी बहन बल्लेबाज ने, देखा जाए बहुत प्यारी अंदाज में टॉस उड़ा दिया, होना पड़ेगा इस 1 रन से स्कोर बदल, स्कोर जा पहुंचा है, अंग पे उड़ा दिए 5 बॉल 21 रन, काफी जख्म आ गई है। साई और किंजलोल दोनों टीम यहाँ पर मतलब लीज दे दे अपने खिलाड़ियों की, जितने भी खिलाड़ी है यहाँ पर कैच हो सकती है और अच्छी कैच, यकीनन अच्छी कैच, देखा नहीं था यहाँ पर कैच पर लेकिन यकीनन। गोरेगावमध्ये सर्वात मोठी ही क्रिकेट टूर्नामेंट प्रथमच शाइन क्रिकेट क्लबतर्फे होत आहे, मुमताज गार्डनमध्ये आलेल्या सर्व क्रिकेट रसिक प्रेमींचे मी शाइन क्रिकेट क्लबतर्फे सहर्ष स्वागत करतो। पहिला सामना चालू आहे तो आंबेत आणि
अंबेत वर्सेस माजरून, माजरून या संघाने 55 धाव संख्या रचलेली आहे आणि 56 धावांचा आव्हान हा अंबेत संघासमोर ठेवलेला आहे। तो यहाँ पर दो ओवर का खात्मा हुआ, स्कोर जा पहुंचा है 21 रन। तो अभी भी दो ओवर आने बाकी है यहाँ पर माजरून की जानिब से। और रनों की जरूरत है, अगर 17 के रन रेट से यहाँ पर जाना पड़ेगा। स्टैक पर है वसीम, स्टैक पर नॉन स्टैक पर है आसिम। तो यहाँ पर गेंदबाजी के लिए आए फैसल है, जो कि दूसरे फैसल है। यहाँ पर आइटम राउंडर से गेंदबाजी काम से दू जाते हैं, अंपायर क्रॉस किया, विक्टर क्रॉस किया, अच्छी गेंद थी, शॉर्ट पिच लाइन गेंद इसको खेला है। यहाँ पर मिड विकेट की जाने वहाँ पर खिलाड़ी मौजूद है लेकिन एक रन से नहीं रोक सके, दूसरा रन लेना चाहते थे, यहाँ पर आसिम ने मना किया, तो एक रन से संतोष होना पड़ेगा। इस रन से स्कोर 32 को जा पहुंचा 22 रन। तो यहाँ पर इसके बाद जो राउंड खेला जाएगा किसदौल बनाम साई के दरमियान, साई ने यहाँ पर टॉस जीता है, अपना डिसीजन नहीं सुनाया। तो हर टीमों के लिए चेसिंग कंपलसरी रहेगा, इस बात को नोट करें। शहीबाज लोखंडे जहां कहीं भी हो सुबह से आए नहीं है यहाँ पर, और यह कैच हो सकती है फॉर इधर में खुद, और एक अच्छी कैच, एक पक्का विकेट मिलता हुआ। अब उनकी जगह संभालने के लिए जा रहे हैं आसिम की जगह संभालने के लिए यहाँ पर मासूम। तो देखते हैं किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। इसी बीच हमारी जानिब से एक छोटी सी गलती हो गई, जनाब शाहनवाज काजी साहब का इस्तकबाल रह गया। मैं मंसूर लोखंडे साहब से अनुरोध करता हूँ कि उनका इस्तकबाल कीजिए। प्लीज यूट्यूब, तो दो गेंदे हुए, इसको जब बचा है 22 रन, तीसरी ओवर की दो गेंदे, तो अभी भी 10 गेंदे और 33 रनों की जरूरत है। फिर से एक बार फंसे हमसे दो जाते, अंपायर क्रॉस किया, विक्टर क्रॉस किया, और अच्छी गेंद थी, इसको खेलना चाहते थे बैकवर्ड पॉइंट की जाने, लेकिन नाकाम रहे, गेंद जितने अपेक्षा करे उससे ऊंची रहती हुई। तो यहाँ पर कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर वही थमा हुआ 22 रन। फिर से एक बार फंसे हमसे दूर जाते, अंपायर क्रॉस किया, अच्छी गेंद थी, शायद ऑप्शन से बाहर गेंद, अंपायर ने अपने भाई खोली वाइट के लिए। तो इस आधे रन से स्कोर में बहुत ही स्कोर जब 23 रन। तो तीन गेंद हुए, अभी भी तीन गेंद आना बाकी है फैसल की, तो 32 रनों की तरफ फिर से एक बार हमसे दूर जाते, अंपायर को क्रॉस किया, अच्छी गेंद थी, उसको खेला है पॉइंट की जाने, कारपेट के सारे गेंद जाती हुई, लेकिन एक रन से संतोष होना पड़ेगा। तो इस एक रन से स्कोर जा पहुंचा है 4 गेंदे और 24 रन। तो यहाँ पर काफी रन चाहिए, यहाँ पर बड़े हिट लगाने की जरूरत है मासूम को, जो कि यहाँ पर आसिम के आउट होने के बाद जो बल्लेबाज गए थे जो कि मासूम थे। तो फिर से 8 गेंदे और 31 रनों की जरूरत, फिर से एक बार फैसला से दूर जाते हुए, जी गेंद थी ब्लॉकर में फेंकी हुई गेंद, उसको खेला अंदराज, खेला जब तक लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी फील करके थ्रो करता, एक रन से संतोष होना पड़ेगा। तो 5 गेंदे हुए इस ओवर के अंतिम गेंद आना बाकी, फैसल हमसे दूर जाते हुए, अंपायर को क्रॉस किया, विक्टर क्रॉस किया, और अच्छी गेंद थी और ये आउट, बोल हो चुका है यहाँ पर, बैट का यहाँ पर डिस्प्ले किया।
तो यहाँ पर आरिफ है जो कि काफी सीनियर खिलाड़ी इस टीम में, अंबेद के टीम में, जो फिर से मासूम है साहब को फिर से एक बार दौड़ना शुरू किया। और ये पौधर की यहाँ पर साई अपना डिसीजन सेवन साई, इसके बाद जो राउंड खेला जाएगा किंजल बलम साई के दरमियान। साई ने यहाँ पर टॉस जीता है, अपना डिसीजन नहीं सुनाया और दोनों टीम की यहाँ पर लिस्ट प्लेयर लिस्ट ओके। यहाँ पर साई ने यहाँ पर टॉस जीत कर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया और किंजल को बल्लेबाजी की दावत दी है। फिर से एक बार और ये गेंद जा रही है मिड विकेट की जानिब, गेंद की मारेगा बाहर 6 रन के लिए। बोले कि मस्ती में नाचेंगे सारे, बोले हरेंगे जो कष्ट तुम्हारे, बोले के नाम पे चलती है दुनिया पार लगेगा, बोले के सारे बोले के नाम पे लगा। तो यकीनन अगर ये 4 गेंद में 4 सिक्स लगते हैं तो मैच यहाँ पर जीत सकते हैं अंबेद। तो आरिफ यहाँ पर अंबेद के सीनियर खिलाड़ी, और एक बार गेंद जा रही है सी मारेगा बाहर 6 रन यकीनन। तीन गेंदें हुए, स्कोर चापोचा 38 रन, तो अभी भी 17 रनों की जरूरत है। तीन गेंदें और 17 रन मैच में अभी तक। इसके बाद जो राउंड खेला जाएगा किंजल बनाम साई के दरमियान, साई ने यहां पर टॉस जीता है, फील्डिंग करने का फैसला किया और किंजल को बल्लेबाजी की दावत दी है। तो फिर से एक बार वसीम हमसे दूर जाते हुए अंपायर क्रॉस का और एक गेंद जा रही है, फिर से एक बार लॉन्ग ऑन की जा रही गेंद सी मारेगा बाहर और हैट्रिक सिक्स लगाया है, 1000 में के हकदार हो चुके यहाँ पर आरिफ अहमद। आमच्या गोरेगाव ग्रामपंचायतच्या सर्व सदस्यांना मोठा धक्का बसलेला आहे, कारण की त्यांनी लावलेले प्रत्येक हॅट्रिक वरती 1000 रुपये लावले, 1000 रुपयाचं पारितोषिक, आणि या पारितोषिकचा मानकरी ठरलाय तो आंबेचा फलंदाज आरिफ आरिफ। या दो गेंद में 11 रनों की जरूरत है, मैच में कुछ रोमांस लाते हुए पर आरिफ अहमद। फिर से एक बार वसीम और ये गेंद यहाँ पर हवे में तो जरूर गई है, उसके नीचे खिलाड़ी देखते क्या छूटी है, नहीं क्या छूटी थी और ये क्या छूटी है। और ये अभी एक गेंद और 9 रनों की जरूरत, 2 रन तो जरूर चुराए थे, लेकिन मैच में अगर अभी 9 या वाइट ना गिरे तो यहाँ पर मैच यहाँ पर माजुरा ने जीता है। कोशिश तो जरूर की थी आरिफ अहमद ने लेकिन नाकाम रहे। और ये अच्छी गेंद थी, उसको खेला था हल्के बैट से, तो यहाँ पर ये मैच माजुरा ने जीता है, लेकिन आरिफ अहमद यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स में चले आए वहां से ही।